हरदोई में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक युवक ने अपने पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि मरने से पहले युवक ने बयान देकर तांत्रिक की कलई खोल दी। तंत्र मंत्र ने ली ली तीन जिंदगियां। तांत्रिक के उकसावे पर युवक ने पत्नी बेटे को दिया जहर, बाद में खुद खाया जहर। मरने से पहले बयां की सारी दास्तां। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में तंत्र मंत्र की विद्या के चलते कई लोगों की जान जाते हुए आपने जरूर देखा होगा, लेकिन ये नहीं देखा होगा कि पहले तो तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी पत्नी और बेटे को जहरीला पदार्थ दे दिया और फिर खुद जहर पीकर मौत की नींद सो गया। दरअसल मामला हरदोई जिले के ककरघटा गांव का है, जहां तीनों की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लोग दहशत में हैं। भैया भाभी बीमार थे, डॉक्टर ने बताई है दवा पीने से। ये दवा किसने इन्हें बताई थी पीने के लिए? ये नहीं मालूम है कि कोई कहता है कि बाबा बताई है। क्या बाबा वो इनके घर आते जाते रहते थे? हाँ बाबा आते थे। मृतक के परिजनों का कहना है कि रोहित लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहा था, हाल ही में कुछ दिन पहले छुट्टी पर आया था। मरने से पहले युवक ने पुलिस के अधिकारियों को बताया कि तांत्रिक ओम प्रकाश मिश्रा ने बीती रात फोन करके बताया कि सिंघाड़े की दवा जो घर में रखी है उसको निकाल कर तीन भागों में करके उसको पी लो, जिससे पूरे परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि बयान का आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लड़के ने जो बताया है जीवित रहते होश में आने के बाद से कि ये पिताजी इससे चर्म रोग से परेशान थे और इसके इलाज करते रहते थे। इसी इलाज के दौरान किसी से उनकी जानकारी हुई और ये बताया गया कि ये दवा जो उसने खुद बताया कि सिंघाड़े वाली दवा अगर पी लोगे 1/3 हिस्सा तो इससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। इस पर उन्होंने शायद ये कल रात दवा पी है और उसके बाद इनकी मौत का रिपोर्ट हुई। बहरहाल एक युवक ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी और अपने पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त कर ली। अगर तांत्रिक ने उकसाया था तो युवक ने सोचा क्यों नहीं? अगर सोचा होता तो शायद आज पूरा परिवार हमारे और आपके बीच होता। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि लोगों को मौत के लिए उकसाने वाला तांत्रिक अब तक बाहर, पुलिस ने उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? के न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट।